इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। आज इस हाउस में दिल्ली का बजट पेश होना था। केंद्र सरकार ने कल शाम को उस बजट के ऊपर रोक लगा दी। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश नहीं हो पाया। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा ही सिचुएशन भी, उन्होंने संविधान जो है वो तरह तरह की सिचुएशन से डील करता है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी इस देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, मैं तो कहूंगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी नहीं है, इट इज एन अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। इस देश के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। ये कहा जा रहा है, ये डेट्स सारी बताई जा रही हैं, 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने बजट सेंटर को भेजा, 17 तारीख को सेंटर ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगा के वो बजट दिल्ली सरकार को भेजा। अभी माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन साहब कह रहे थे कि एलजी साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए। संविधान के अंदर एलजी को कोई ऑब्जेक्शन लगाने का अधिकार नहीं है। ही इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक मिनट, मेरे को पूरा, मैं एक मिनट पूरी कर लेता हूँ। हाँ, एक मिनट। लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन, चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर साफ साफ कहता है, संविधान का आर्टिकल 239AA4 साफ साफ कहता है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो केवल ठप्पा लगाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स छोड़ के बाकी सारी चीजों पे उनको बस ठप्पा लगाना है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं दे सकते, ऑब्जेक्शन भी नहीं दे सकते, वो फाइल पे कुछ नहीं लिख सकते, उनको फाइल पे लिखने का अधिकार नहीं है। अगर वो फाइल पे कुछ लिखते हैं तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर वो फाइल पे लिखते हैं तो वो इस मंदिर का, ये जनतंत्र का जो मंदिर है, इसका अपमान है, इस पूरे हाउस का अपमान है। कुछ कहना है तो ये हाउस कहेगा, ये हाउस किस लिए बैठा है? ये जितने लोग हैं, चाहे ये बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी, इनको जनता ने चुन के भेजा, फिर ये किस लिए चुने गए हैं? अगर एलजी नहीं दिल्ली चलानी थी तो, अगर केंद्र सरकार के पास बजट भेजा गया, केंद्र सरकार को उसमें आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि किसी राज्य का बजट केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, पर चला आ रहा है कई सालों से। जिस दिन इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, ये 2 मिनट ये प्रोविजन नहीं टिकने वाला कि केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का बजट भेजा जा रहा है। पर एक परंपरा चली आ रही थी, कई सालों से चली आ रही थी, हम भी उस परंपरा को फॉलो कर रहे थे। आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी केंद्र सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन या ऑब्जर्वेशन नहीं किया। पहली बार ये परंपरा जो है इसको तोड़ा गया। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भेजे, ऑब्जर्वेशंस लगा के भेजे, वही अपने आप में असंवैधानिक था। लेकिन हमें लड़ना नहीं है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम यहां लड़ने नहीं आए, हम काम करने आए हैं। 17 तारीख को उन्होंने भेजा, चीफ सेक्रेटरी के पास भेजा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भेजा, 3 दिन वो लेके बैठे रहे। अब सारा देश जानता है कि इन अधिकारियों के गर्दन जो है वो केंद्र सरकार और एलजी के अंडर में, रोज जिसको मर्जी सस्पेंड कर देते हैं, सारे डरे बैठे हैं अधिकारी, वो बेचारे क्या करें। तो ऊपर से आदेश आया एमएचए से कि भाई 3 दिन तक लेके बैठे रहो। सोमवार को 20 तारीख को 21 को बजट प्रेजेंट होना था, 20 तारीख को दिन में 2 बजे मंत्री को बताया जाता है जी एमएचए से कुछ ऑब्जेक्शंस आए हैं।
तो इन अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। फाइल जो है उसके संबंध में, उसके बाद बार बार फोन कर रहा है मंत्री, फाइल उसके पास शाम को 6 बजे पुटअप की गई। उसके बाद अफरा तफरी के अंदर मंत्री ने नोट बनाया, जो भी ऑब्जर्वेशन थे। हमारे पास एक ऑप्शन था, हम लड़ लेते, कोर्ट चले जाते कि तुमने ऑब्जर्वेशन कैसे लिखे, हम तुम्हारा। पर मैंने मंत्री को कहा नहीं, हमें लड़ना नहीं है। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन थे, चारों का हमने जवाब लिखा, कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हम, हमारा जवाब दो, दे दिया। भाई साहब आपके पैर छू लिए, पैर छू लिए उनके, उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज क्या मिल गया? एक मिनट सर, आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, तो बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं, जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है, खुश हो गए भाई, केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं, जनतंत्र में झुकना ही, एक जनता के सामने भी झुकना चाहिए, सबके सामने झुकना चाहिए। अहंकार सेटिस्फाई करने के अलावा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कल ये मैं देख रहा था टीवी चैनलों में चल रहा था कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा एडवर्टाइजिंग का बजट कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। यही चल रहा था ना टीवी चैनलों में कि जी एडवर्टाइजिंग का बजट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कर दिया, हमने इनको ठीक करने को बोला है। उसमें बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है? मैंने तो नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो ये कह रहा हूं जी, ये बता दो कि कहां लिखा है कि 500 की फिगर जो है वो 20,000 से ज्यादा होती है? ये तो कहीं नहीं लिखा। तो मैं कह रहा हूं भाई, जो पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। पता नहीं किसको दे दिया आपने बजट, 500 करोड़ रुपए पिछली साल रखा था, 500 करोड़ रुपए इस साल रखा है, सेम है, सेम टू सेम है, कोई बढ़ाया नहीं हमने, एज इट इज बजट रखा है। कहते हैं कल से चला रखा है बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट बढ़ा दिया, एडवर्टाइजिंग का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा, कहां कर दिया? कहीं नहीं करा। आज वो सेम टू सेम बजट हमने कोई चेंज करके नहीं भेजा, जो बजट में लिखा था उसी में से 4 लाइनें कोट कर करके भेज दी। आज एलजी साहब ने भी कल रात को 10:30 बजे लिख दिया अप्रूव्ड। यार ये क्या है यार, तो पहले ही अप्रूव कर देते, क्या जरूर थी? वो कह रहे थे मेरे सामने झुको, मेरे पैर पकड़ो। आपके सामने झुक गए भाई साहब, आप ही प्रभु हो, आप ही सब कुछ हो। मेरी आज इस मंच के, इस हाउस के माध्यम से अपील है, प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए, हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं,
जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है, कभी भला हुआ है? सबसे बना के रखनी चाहिए, सब मिलजुल के काम करेंगे, तरक्की होगी। दिल्ली ने इतना, कल आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया, इतनी तरक्की की दिल्ली ने, देश का जो एवरेज है उससे कहीं ज्यादा आगे जाके तरक्की कर रही है दिल्ली, इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तरक्की कर रही है। सोचो अगर ये रोज रोज के झगड़े नहीं होते तो 10 गुना तरक्की हो चुकी होती अभी तक जितनी तरक्की है। हमारा डोरस्टेप डिलीवरी राशन करना चाहते थे हम, वो रोक दिया। किसका फायदा हुआ? जो राशन वाले चोरी करते थे, राशन माफिया था, उसका फायदा हुआ। जनता का फायदा तो नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ उसका डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करने का, रोकने का? दिल्ली के अंदर 17,000 लोगों को डेली हम योगा कराया करते थे, डेली 17,000 लोगों को दिल्ली सरकार फ्री में योगा कराती थी। प्रधानमंत्री जी ने कह के वो योगा क्लासेस बंद करा दी। किसका फायदा हुआ जी? किसी का तो फायदा नहीं हुआ। 17,000 लोगों ने अगर योगा करना बंद कर दिया, आज भी याद करते हैं, मेरे को मिलते हैं, आज भी याद करते हैं, किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। हम अपने टीचर्स को, दिल्ली का शिक्षा जो व्यवस्था है उसकी तारीफ पूरे देश के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे टीचर्स और हमारे प्रिंसिपल्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 60,000 टीचर्स उन्होंने चमत्कार करके, उनको हम ट्रेनिंग करने के लिए विदेश भेजते हैं, फिनलैंड भेजते हैं। आपने उनकी फिनलैंड की ट्रेनिंग रोक दी, किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। गरीबों के बच्चे अच्छे पढ़ना चालू हुए थे, बड़े इतने 75 साल के बाद गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चालू हुई थी, क्या फायदा हुआ? टीचर्स की ट्रेनिंग रोकने से किसका फायदा हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो हमारे साथ यार? पिछले साल कई महीनों तक मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट की पेमेंट बंद करा दी, रेंट की पेमेंट बंद करा दी, बिजली के बिलों की पेमेंट बंद करा दी, दवाइयों की पेमेंट बंद करा दी, मोहल्ला क्लिनिक में, अस्पतालों में। कितने मरीज सफर किए, किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। फरिश्ते स्कीम थी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम फ्री में इलाज कराया करते थे। 13,000 से ज्यादा जान बचा चुके हैं उस स्कीम के अंदर हम लोग। उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी, बताओ उस स्कीम की पेमेंट बंद करा दी। मरते हुए आदमी को अगर हम जान देने की कोशिश कर रहे थे, उसकी पेमेंट बंद करा दी, किसका फायदा हुआ प्रधानमंत्री जी? अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं कि बजट रोक दिया, मेयर के चुनाव बंद करा दिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, एक छोटी सी दिल्ली चला रहे हैं, हमें अपनी दिल्ली चलाने दो। आप बहुत बड़े हो, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, पूरे देश के अंदर काम कर रहे हो, आप अपना काम करो ना, हमें अपना काम करने दो। उनको तकलीफ ये है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है, उनको तकलीफ ये है कि बार बार दिल्ली में आप बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज रोज लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1,000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1,000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5,500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। लेकिन अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी, हमसे लंबी लकीर खींचो, जो काम हमने किए उससे लंबी लकीर खींचो। आज इस पूरे सदन की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं,
हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे को लड़ाई करनी नहीं आती, हमको राजनीति करनी नहीं आती, हम आपसे मिलके काम करना चाहते हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं, हम बहुत छोटे हैं। जैसे परिवार में होता है, दिल्ली के लोग जो हैं आपके सामने छोटे भाई की तरह, लेकिन अगर कोई बड़ा भाई रोज आके छोटे भाई को दो थप्पड़ मारेगा, रोज आके उसको डांटेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। तो अगर आपको छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई का दिल जीतना पड़ेगा। छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई को प्यार करो, छोटे भाई के साथ चलो, तभी छोटा भाई आपका साथ देगा। मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ।